देखो पापा, वो सब आप जानो, मुझे ये पैसे चाहिए तो चाहिए। ये लो साहब। कितने हुए साहब? सिर्फ 10 रुपए। बस 10 रुपए? ये लो, इतने में आपका गुजारा हो जाता है? साहब क्या करूं, मैं अनपढ़ गंवार हूं, इतने में गुजारा करना पड़ता है। अच्छा अंकल, आप अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूं। चाय 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 चाय। पापा सुनो। बेटी तू यहाँ क्या कर रही है, स्कूल नहीं गई? पापा मेरे स्कूल से ना पहली बार घुमाने लेके जाना है, तो मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। बेटा अभी तक तो मैंने कुछ कमाया नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 50 रुपये की चाय बेची है। वैसे तुझे कितने पैसों की ज़रूरत है? पापा आपको तो पता है मेरे स्कूल से पहली बार घुमाने लेके जा रहे हैं, और वहाँ कितने बड़े बड़े घर के बच्चे आते हैं, तो मुझे कम से कम 3000 रुपये की ज़रूरत है। 3000 रुपये? बेटा दिन भर में तो मैंने 50 रुपये की चाय बेची है, और फिर मैं इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से? बेटा 3000 रुपये तो मैंने रख रखे हैं, लेकिन वो 3000 रुपये तो मकान मालिक को किराए के देने हैं। बेटा वैसे तुझे पता ही है कि पिछले महीने भी किराया नहीं दिया, पिछले महीने का और इस महीने का जोड़ के 3000 रुपये मकान मालिक को देने हैं। बेटा बस वही 3000 रुपये रखे हुए हैं। पापा वो सब मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। बेटा मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? चाय बेच के तो मैं तेरे स्कूल की फीस भरता हूँ, तुझे अच्छे ट्यूशन में पढ़वाता हूँ ताकि तू पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बन सके। बेटा मैं नहीं चाहता कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ तू वो जिंदगी जिए। जब आप मेरा खर्चा ही नहीं उठा सकते तो क्यों मेरा इतने बड़े स्कूल में एडमिशन कराया? किसी छोटे मोटे सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देते, क्या जरूरत थी इतने बड़े स्कूल में एडमिशन कराने की? बेटा तेरा बड़े स्कूल में इसलिए एडमिशन करवाया ताकि तू पढ़ लिख करके कुछ बन सके, कुछ कर सके। सिर्फ बड़े स्कूल में एडमिशन कराने से कुछ नहीं होता, वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे भी आते हैं, तो मुझे भी उनकी तरह दिखना चाहिए ना, उनके जैसा खर्चा भी कराना होता है। सिर्फ एडमिशन कराने से आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती। बेटी मेरे पास यही 3000 रुपये हैं, आज मकान मालिक को किराया देना बहुत ज़रूरी है, अगर किराया नहीं दिया तो मकान मालिक हमें निकाल देगा। देखो पापा वो सब आप जानो, मुझे ये पैसे चाहिए तो चाहिए। चाय चाय चाय। बहन सुनो। हाँ भैया क्या हुआ? वो चाय वाले तुम्हारे पापा ही क्या? हाँ बदकिस्मती से पापा ही है वो मेरे। बदकिस्मती से? अरे तुम नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी किस्मत वाली हो जो तुम्हारे पापा चाय बेच के तुम्हें इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं? कहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई के अलावा भी ना और भी खर्चे होते हैं, वो कहाँ पूरे हो रहे हैं मेरे। वो देखो तुम्हारे पापा को ना थोड़े से पैसे के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। ये लो मैम साहब। कितने हो गए? मैम साहब बस 10 रुपए। क्या 10 रुपए? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, कोई तो रेस्टोरेंट में चाय बेच रहा है क्या? इस चाय के सिर्फ 5 रुपए दूंगी मैं। नहीं नहीं मैम साहब, ये 5 रुपए की नहीं 10 रुपए की चाय है, और इसमें देखिए मैम साहब दूध चीनी चाय पत्ती गैस इसमें बहुत खर्चा आ जाता है, और फिर मैम साहब मुझे घूम घूम कर बेचना पड़ता है। मैम साहब ये 5 की नहीं ये 10 रुपए की चाहिए। ऐसा है ना, ज्यादा ना ज्ञान मत दे, समझ आया? अपनी ना हैसियत के हिसाब से बात कर। 5 रुपए की चाहिए 5 रुपए दूंगी मैं, पकड़िए। मैम साहब मैम साहब। चाय चाय चाय। देखा तुम्हारे पापा को 2 पैसे कमाने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है, कितने लोगों की गालियां सुननी पड़ती है तब जाके उन्हें 2 पैसा मिलता है, और तुम कहती हो कि बदकिस्मती से वो तुम्हारे पिता है। काश ऐसे पिता मेरे पास होते तो आज मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाता। कदर करो अपने पिता की। पापा पापा, पापा। अरे बेटा तू वापस आ गई, और पैसों की जरूरत है क्या? तू इंतजार कर मैं शाम तक दे दूंगा। नहीं पापा मुझे अभी इन पैसों की जरूरत नहीं है, अभी आप ही रख लीजिए। क्यों बेटी क्या हुआ? पापा आप मेरी पढ़ाई करवा रहे हो, इतना ही मेरे लिए काफी है। चाय 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 चाय।